तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज जो वीडियो है ना, बहुत ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके। आज ये वीडियो अगर आप लोग देख लेना तो इसको करने के बाद ना आप लोग कहेंगे वाह क्या बात है। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको एक ऐसा सीक्रेट जिसको सीखने के बाद आपका काम होगा और ज्यादा इजी। कैसे, चलिए बताता हूं। दोस्तों चलिए देखिए, यहां पर मैं एक सेल्स एंट्री आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा पार्टी का नेम तो दिख रहा है, यहां पर आपको पार्टी के नेम में दिखाई दे रहा होगा नितिन और रवि, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार मैं यहां पर F8 प्रेस करता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं प्रेस कर रहा हूं F8। जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया, नॉट एप्लीकेबल लिया, और अब आप देखिए यहां पर पार्टी के नाम में, ओहो, पहले पार्टी की जो लिस्ट थी वो बहुत कम आ रही थी, लेकिन अब पार्टी की लिस्ट, ये कैसे हो गया? कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर F8 प्रेस करके इसको चेंज कर दूं यहां पर लोकल, तो सिर्फ वो डेटर्स मुझे यहां पर शो हो जाएंगे जो लोकल हैं, यानी दिल्ली वाले। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर लोकल सिलेक्ट कर लूं तो मुझे सिर्फ लिस्ट में वही डेटर शो हो जाएंगे जो दिल्ली से कनेक्टेड है। ऐसा कैसे कर लिया आपने? वाओ, कमाल है ना। और अगर मैं यहां पर लेट सपोज लोकल को चेंज कर देता हूं, आप देखिए मैंने यहां पर लोकल को चेंज करके इंटरस्टेट कर दिया, तो मुझे वो डेटर दिखाई देगा जो दूसरे स्टेट का है। ये कैसे हुआ भाई? बाकी लेजेस गायब कैसे हो गए? ये है कमाल की टेक्निक, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आखिरी तक, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी ये मैंने कैसे किया। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको करना एक काम है, आपको ऑल्टर में जाना है, और आपको यहां पर, आप लेजर का इस्तेमाल तो हमेशा करते आए हैं, लेकिन आपको इस बार ग्रुप का इस्तेमाल करना है। और ग्रुप में आपको करना क्या है, आपको दो ग्रुप क्रिएट करने हैं। वो ग्रुप कौन से है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने दो ग्रुप क्रिएट किए हैं, एक दिल्ली डेटर के नाम से, आपको मैं दिखा देता हूं ये क्रिएट कैसे हुए हैं। आपको सिंपली इसे दिल्ली डेटर लेना है और इसे अंडर संडी डेटर्स रख लेना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल इसे एक्सेप्ट कर लो। और सेम ऐसे ही एक और बना लो हरियाणा डेटर, और इसको भी संडी डेटर्स के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। बहुत बढ़िया, ये कर लिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आपको जाना है वाउचर टाइप पर। जैसे ही आप वाउचर टाइप पे जाएंगे, यहां पर आपको सेल्स वाउचर पे जाना है, ठीक है, सेल्स वाउचर पे आप चले जाइए। और जाने के बाद आपको यहां पर लास्ट में आना है, और यहां पे आपको लोकल सेल दिखाई दे रहा है। मैंने यहां पे टाइप किया है नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास में आप लोकल लिखिए। लोकल लिखने के बाद आप सबसे पहले एक्सक्लूड में एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, और इंक्लूड में दिल्ली डेटर ले लीजिए, क्योंकि लोकल में दिल्ली डेटर्स ही होंगे, तो दिल्ली डेटर्स आप यहां ले लीजिए। और उसके बाद सेल्स लेजर ले लीजिए जो कि 100% आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्योंकि लोकल में CGST और SGST लगता है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इंटरस्टेट में आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर एंड ऑफ लिस्ट लेना है, और यहां पर हरियाणा डेटर सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपके और भी बहुत सारे डेटर्स हो, हरियाणा डेटर्स हो, यूपी डेटर्स हो, ठीक है, बिहार डेटर्स हो, तो बहुत सारे डेटर्स होंगे, उनकी लिस्ट को यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे सेल्स लेना है, और यहां पे IGST ले लेना है, दैट्स इट। इतना करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप वाउचर पे जाएंगे और यहां पर आप F8 प्रेस करेंगे, और F8 प्रेस करने के बाद आप यहां पर लोकल लेंगे, तो अब यहां पर आप मान लीजिए कोई नया लेजर बनाते हैं। मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं एक लेजर, लेट सपोज अपने ही नाम का मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूं, और इसे मैंने रख दिया दिल्ली डेटर के अंदर, दिल्ली डेटर के अंदर मैंने इसे रख दिया है। और क्योंकि ये दिल्ली का डेटर है, दिल्ली की डिटेल्स आ जाएंगी। कंट्रोल ए प्रेस करा, और अब आप चेक कर सकते हैं कि ये डेटर मेरा सिलेक्ट हो चुका है, और ये डेटर मेरा लिस्ट में भी शो हो रहा है, ठीक है। इसके फायदे क्या है, बड़े फायदे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस तरह की कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, इसमें ट्रांजेक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। अगर आप देखिए यहां पर जीएसटी वीएसटी की बात करें, तो जीएसटी रेट डिफाइन होने के बाद अब अगर आप चेक करें तो यहां जीएसटी भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। और दोस्तों इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये होने वाला है कि अगर आप बैलेंस शीट पर जाएंगे ना, ऑल्ट F1 करेंगे और डेटर्स में जाएंगे, तो डेटर्स के अंदर आपको दिल्ली डेटर्स अलग से दिखाई देंगे, वेरी नाइस ना।
आपको पता चलेगा कि आपके डेटर की क्लासिफिकेशन क्या है, दिल्ली वाले कौन कौन से डेटर्स है। अगर आप दिल्ली वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको और क्लासिफिकेशन दिखाई देंगे, यानी अब आपको फर्दर क्लासिफिकेशन दिखाई देगा डेटर के अंदर भी, है ना, कमाल की चीज। और इसके फायदे और भी ये हैं कि आप यहां पर वाउचर की एंट्री करते समय अगर यहां पर एफएट चेंज करते हैं और अगर आप इंटरस्टेट सेल लेते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा या दूसरे स्टेट्स के डेटर दिखाई देंगे, यानी अब आप लेजर लेने में गलती नहीं करेंगे। यानी सेल्स की एंट्री अगर आप कर रहे हैं ना, तो भाई साहब यहां पर सिर्फ वही लेजर दिखेंगे जो रिलेटेड है आईजीएसटी के, यानी इंटरस्टेट। और अगर आपको विद इन स्टेट यानी लोकल वाली एंट्री करनी है तो आप लोग यहां पर क्या सिलेक्ट कर लें, लोकल। और वो कैसे करेंगे भाई, F8 प्रेस करेंगे और यहां पे लोकल सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इसका फायदे ये भी है कि जब रिपोर्ट्स बनेगी तो रिपोर्ट्स में आप इसे पर्टिकुलरली चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिस्प्ले पर जाएं तो अकाउंट बुक में जाकर आप ग्रुप वाइज समरी भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको सारे के सारे डेटर्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, दिल्ली वाले डेटर्स पे क्लिक कर देंगे, दिल्ली वाले डेटर्स की अलग से रिपोर्ट देख सकते हैं आप जाकर, ओके। या आप चाहें तो अपने सारे डेटर्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, तो दिल्ली वाला डेटर नहीं, सन्ड्री डेटर पे क्लिक कर दीजिए जिसमें सारे डेटर्स दिखाई देंगे, दिल्ली वाला, हरियाणा वाला, यूपी वाला, बिहार वाला, सारे डेटर्स दिखाई देंगे। तो अगर आप क्लासिफिकेशन का ये नया तरीका समझ चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। और ये टेक्निक अगर आप लोगों को नहीं पता थी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ये ट्रिक आपको पता है या नहीं पता। अगर पता है तो कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैड।